नदियों के विकास और मछलियों की कम होती संख्या को लेकर के मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का शहर आना हुआ। उन्होंने शहर के अटल घाट पर आकर के करीब 2.5 लाख मछलियों को मां गंगा में छोड़ा है। मत्स्य संपदा के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधायक नीलिमा कटियार भी शामिल रहे। इस मौके पर मत्स्य पालन मंत्री ने एबीसी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोगों को इस बात को लेकर के जागरूक किया जा रहा है कि वो मछलियों का शिकार करने के लिए गंगा में जाल ना डालें। मछलियों को छोड़ने के माध्यम से मां गंगा में बढ़ा हुआ प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा मछलियों का प्रवाह मां गंगा की गोद में किया जाएगा। इसके बाद गंगा किनारे रहने वालों के जीवन में भी संपन्नता आएगी। फ्रंट के अंदर काम कर रही है। जो विभाग ऐसे माने जाते थे कि ये सबसे कम महत्व के विभाग हैं, उन कम महत्व के विभागों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभागों में परिवर्तित करने का काम भी सरकार ने किया। हर क्षेत्र का अपना अपना महत्व है। गंगा नदी के अंतर्गत स्वच्छता हो, मछलियाँ हो, एक सुंदर तरीके से वातावरण हो, इसलिए हमारा मत्स्य विभाग माननीय मंत्री श्री हमारे संजय निषाद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें इसकी प्रशंसा पूरे देश की अपने प्रदेश की पूरे देश में हुई। आज यहाँ पर लाखों मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का काम किया गया। मछलियों के अंडों को भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी बताएंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारी बहन नीलिमा कटियार जी के क्षेत्र में इस अटल घाट के महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर लाखों मछलियां आज गंगा जी में समर्पित करी गई हैं, उनको छोड़ा गया है, जिससे गंगा की स्वच्छता भी बनी रहेगी और मछलियों का भी, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं गंगा किनारे के, उनको भी एक अवसर मिला। मत्स्य पालन विभाग मंत्री संजय निषाद जी का शहर आना हुआ, सर यहाँ पर आए, किस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्या किया? देखो, यहाँ रिवर रेंचिंग का प्रोग्राम है जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चिंता की है। मछलियों का स्तर कम हो गया था, उसको हम लोग डाल रहे हैं, जिससे मछलियाँ बढ़ेंगी और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, कर रहे हैं कि वो प्रतिबंधित मछली जाल न डालें, बढ़ने दें, बड़ा करें, उन्हीं के लिए बढ़ा रहा हूँ और जल जीव का स्तर हम लोग मेंटेन करें। और निचले पावदान पर रहने वाले को भी चिंता कर मोदी जी कर रहे हैं, तो बहुत उनको बधाई देना। आज कौन कितनी मछलियाँ डाली गई हैं? 1 लाख के आसपास मछली डाली गई है और फिर 1 लाख अभी व्यक्ति है, बाद में पड़ेगी, और पूरे प्रदेश भर में 1 करोड़ की मछली डाली जा रही है। अच्छा, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मछली नदियों में हमारा जो जल स्तर है, जो हमारा पर्यावरण हो, वो नदी मछली पड़ेंगी तो वो मेंटेन हो जाएगा और नदियों के किनारे रहने वाले जो मत्स्य पालक हैं उनका जीवन स्तर में सुधार होगा। तो नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे और प्रदूषण के मद्देनजर आज एक भव्य कार्यक्रम किया गया। माँ गंगा की गोद में आज लगभग 1 लाख मछलियाँ डाली गई हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार हो जाने के बाद माँ गंगा का जो सपना था निर्मल, स्वच्छ और अविरल गंगा का, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज़ कानपुर।